नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा प्रारंभ करेगी। महंगाई बढ़ाकर प्रदेश व केंद्र सरकार फंड एकत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के संभागीय संगठन प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने। भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। महंगाई बढ़ाकर प्रदेश व केंद्र सरकार एकत्र कर रही फंड। भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के रीवा संभाग के संगठन प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने। रीवा के सेलिब्रेशन होटल के हाल में पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा जिले के प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने एक एक करके कई आरोप जड़ दिए केंद्र व प्रदेश सरकार पर। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें शहर से लेकर गांव तक की समस्याओं को हम इकट्ठा करके पत्रकारों के माध्यम से जनता के सामने रखेंगे। महंगाई पर प्रदेश व केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। उनका कहना था, हर जरूरी सामान दुगने तिगने रेट में बिक रहा है, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है। ये सब बताने के लिए ही भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमारी पार्टी प्रारंभ करेगी। साथ ही नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा के माध्यम से कांग्रेस ने रीवा शहर की जनता से जो वादे किए थे वह पूरे कर रही है। महापौर काफी बेहतर काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा, नगर सरकार ने जो वादे किए थे उन सभी को हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रताप भानु शर्मा ने किस तरीके से सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया, आने वाले चुनाव और यात्राओं को लेकर पत्रकारों को क्या जानकारी दी, कांग्रेस की भविष्य की रणनीति क्या है, सुनिए। जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा वो गांव में इस बात को भी देखेगा कि गांव के गरीबों तक जो योजनाएं हैं, आवास योजना है, किसानों के खाते में पैसे पहुंचने की योजना है, सड़कों के निर्माण की योजना है, हमारे लोगों को रोजगार देने की मनरेगा की योजना है, हमारे लोगों को खाद्यान्न देने की योजना है और पोषण आहार योजना है, इनमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। माने जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी उसमें रीवा का नाम सबसे आगे, 110 करोड़ की भ्रष्टाचार में, भ्रष्ट योजनाओं में। रीवा में कोई अधिकारी ये देखने के लायक है भी कि नहीं है, कोई अंकुश रह गया कि नहीं रह गया है, रजिस्टर बदला रहे हैं, रातों रात नए रजिस्टर तैयार हो रहे हैं रिकॉर्ड के, ये हमें जानकारी है। अब इस पे कॉग्निजेंस राज्य सरकार को लेना चाहिए और हम आज भले ही विपक्ष में हो परंतु हम लोगों की चौकस निगाह है और संगठन के माध्यम से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इन सब योजनाओं का एक वस्तु स्थिति पदयात्रा के दौरान हम लोगों को गाँव से मिले। घी बांट रहे हैं, घी पी रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है। पेट्रोलियम में आप LPG को दुगने भाव कर दिए, डीजल को दुगना भाव कर दिए, पेट्रोल को दुगना भाव कर दिया, CNG को दुगना भाव कर दिया, ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। बजट से बाहर ये पैसा क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, ये बड़े बड़े और भी सवाल हैं जो इस पदयात्रा के दौरान हम लोग के सामने आएंगे और जनता से भी फीडबैक आएगा। हमारा प्रयास होगा कि अगले 2-3 महीने के अंदर इन मुद्दों को ग्रास रूट लेवल से, ग्रामीण स्तर से इकट्ठा करके हम आपके समक्ष लेकर आएं, सत्यता आपके सामने रखें। और रीवा के लिए जिला नहीं है, विंध्य क्षेत्र का मुख्यालय भी है, संभागीय मुख्यालय भी है, इसलिए यदि यहाँ पर ये ठीक नहीं चल रहा तो दूर दराज के गाँव में क्या हालत होगी, ये सोच सकते हैं। हमारे मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मेयर बनने के बाद नगर की समस्याओं को उन्होंने सड़क पर जाकर, गांव गली में जाकर, मोहल्लों में जाकर चर्चा करके कई योजनाएं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।